हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और उसमें 9वां जो पाठ है ममता, जो एक कहानी है, आज हम इसकी स्वाध्याय पोथी के प्रश्न उत्तर समझेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए, जिसमें पहला है मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम खाली जगह है। मंत्री चूड़ामणि की दुहिता यानी पुत्री यानी इसकी लड़की का नाम ममता है, तो हमें यहाँ पर बी लिखना है। दूसरा, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे, तो मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर 10 सेवक आए थे, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है। पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा, अनर्थ कहा, तो वह ए लिखना है। उत्कोष ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को मूर्ख कहा, तो हमें सी लिखना है। ममता से आश्रय मांगने वाला मुगल कौन था, हुमायूं था, तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। ममता किस धर्म का पालन करना चाहती थी, वह अतिथि धर्म का पालन करना चाहती थी, तो वह डी लिखना है। ममता कहाँ छिप गई थी, मृगदाव में, मृगदाव यानी एक हिरण की तरह वह छुप गई थी। सी, ममता की सेवा कौन कर रहा था, तो ममता की सेवा है जब गांव की स्त्रियां कर रही थी, तो हमें ए लिखना है। अष्टकोण मंदिर पर बने शिलालेख में किसका नाम नहीं था, ममता का नाम नहीं था वहां पर, तो हमें यहाँ पर ए लिखना है। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वह विधवा थी, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। दूसरा, ऐसा प्राय होता था परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। तीसरा, स्वर्ग का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। चौथा, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। पांचवा, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। छठा, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। तो यह पाठ जो कहानी है उसके अंदर से निकाली गई यह खाली जगह है, तो उसमें हमें योग्य शब्द ढूंढ कर लिखना है जो पाठ के अंदर आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, ममता के लिए किसी वस्तु का अभाव संभव न था क्योंकि वह मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, तो यहां पर हमें ब लिखना है। दूसरा, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई क्योंकि ममता ने उसे आश्रय दिया था, क्योंकि मुगल हुमायूं है वहां पर अतिथि बनकर आए थे, तो ममता ने उन्हें आश्रय दिया था, तो उससे क्या हुआ कि मुगल के प्राणों की रक्षा हुई थी। तीसरा, ममता की दृष्टि में उसका धर्म क्या है, अतिथि देव का सत्कार करना। ममता मृगदाव में चली गई ताकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि में न पड़े। ममता है वह मृगदाव यानी हिरण की तरह वह छुप गई थी, जहाँ हिरण रहते हैं उस तरह वह छुप गई थी और वह अपने आप को बचाना चाहती थी क्योंकि हुमायूं के साथी है वह उसे देख न ले, क्योंकि वह हुमायूं के साथियों की दृष्टि यानी नजर में आ न जाए। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, ममता कौन थी। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। दूसरा, ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया। उत्कोच यानी रिश्वत, ममता ने रिश्वत में मिली जो स्वर्ण राशि है उसे स्वीकार नहीं करती है। ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा, क्योंकि उसे पता था कि ये जो स्वर्ण राशि रिश्वत में मिली है उससे हमारा अनर्थ होगा। तीसरा, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया, यानी महल में से निकलकर ममता कहाँ चली जाती है। दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडर में आश्रय लिया। चौथा, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं है वह आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। पांचवा, ममता ने किस धर्म का पालन किया।
ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। छठा, हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? तो हुमायूं ने मिर्जा को ममता के लिए एक घर बनवा देने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे, क्यों दुखी थे? व्यथित यानी दुखी। मंत्री चूड़ामणि की स्नेहपालिता एकमात्र पुत्री जो ममता है वो विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसी चिंता के कारण वह दुखी थे। उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच यानी जो रिश्वत है वह एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। प्रश्न नंबर 3, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? विधर्मी शेरशाह के आत्ताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था और उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। प्रश्न नंबर 4 है, ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा? शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसकी तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी, इसीलिए ममता ने मुगल को एक दूसरा आश्रय खोजने के लिए कहा। आश्रय खोजने के लिए यानी दूसरी कहीं जगह रहने के लिए कहा। 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख और दुख की सहभागिनी थी? गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली की ममता सेवा कर रही थी, इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों को सुख दुख की सहभागिनी थी। 6 प्रश्न है, अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? उत्तर है कि अष्टकोण मंदिर के शिलालेख पर यह वाक्य खुदे थे कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यानी याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। स्मृति यानी उसकी याद में एक गगन को छूने वाला एक मंदिर बनाया था। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? यानी जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, उसने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था, वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था और उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उगाई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की एक भव्य झलक देखी जा सकती है। दूसरा, चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, उसके लिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच यानी रिश्वत के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि में से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए यही उनका एक आयोजन था। तीसरा है, हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय व घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उसे आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। यानी ममता है, उसे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे पिता की जिन लोगों ने हत्या की है, तो उस तरह शेरशाह जो आश्रय लेने वाला आया था हुमायूं, वह भी उसकी तरह क्रूर लग रहा था। तो ममता ने सोचा कि यह विधर्मी दया के पात्र नहीं है। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है। यानी ममता को ऐसा लग रहा था कि जो यह शेरशाह है वह मुगल की तरह ही हमें धोखा देगा, इसीलिए हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट हो रही थी।